मैं भारतीय जनता पार्टी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि जरा ज्ञानवर्धन करिए कि 4 मार्च 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग बनाने का निर्देश दिया जिस पर हमारी आलोचना कर रहे हैं, तो कृपा करके यह बताइए कि अक्टूबर 2021 में गुजरात के गांधीनगर में नगर निगम का चुनाव कैसे हुआ बिना आयोग बनाए हुए, दिसंबर 2021 में पंचायत चुनाव गुजरात के अंदर कैसे संपादित हो गया, और 4 मार्च 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश कि आप आयोग बनाइए और 22 जुलाई 2022 को बैकवर्ड कमीशन बनता है गुजरात के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी को तो इस बात का जवाब देना होगा। गुजरात मॉडल आपका प्रभावी है मानते हैं, और माननीय अमित शाह जी अभी आ रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चरणों में शीश झुकाने के लिए, तो हम आपसे यह सवाल पूछ रहे हैं कि आप डरिए मत, माननीय अमित शाह जी से पूछिए कि कैसे यह हुआ जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2021 में निर्देश दे दिया बैकवर्ड कमीशन जुलाई 2022 में बनता है, उसके पहले गांधीनगर और गुजरात का पंचायत चुनाव कैसे संपादित हुआ, यह भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही साथ देश के गृहमंत्री आ रहे हैं, तो आपको असम और त्रिपुरा भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ तक अब तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण की घोषणा क्यों नहीं की गई है, यह सवाल तो आपसे होगा। बिहार में आप आलोचना कर रहे हैं तो इस बात का जवाब आपको देना चाहिए ना कि 2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश आया, उसके पहले 2006-07 में चुनाव हुआ, जिस आधार पर उसके बाद चुनाव हुआ, तो आपकी जुबान क्यों खामोश हो गई, क्यों आपने नहीं कहा अगस्त सितंबर 2021 में पंचायत का चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी सवाल नहीं खड़ा किया। श्रेय लेते हैं कि हमने समाज के इन तबकों की हिस्सेदारी तय किया, तो मैं अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन चीज़ों को देखेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल मेरा जरूर है, क्या देश से अलग है गुजरात, क्या देश से अलग है असम, क्या देश से अलग है त्रिपुरा, क्या पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं? यही तो हमारा सवाल ही तो है कि देश एक, देश एक राष्ट्र एक झंडा की पार्टी तो क्यों नहीं गुजरात के अंदर दिलवाया, क्यों नहीं असम के अंदर हुआ, क्यों नहीं त्रिपुरा के अंदर हुआ, क्यों नहीं कास्ट सेंसस आपने करवाया, क्या कारण है? समाज के सारे तबकों के विकास के लिए आपको क्या डर लगता है? इसीलिए ना कि जिसके जिस संख्या की गणना हो जाएगी तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, और ये स्पष्ट करता बिहार ने तो कास्ट सेंसस की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल मेरा है कि अगर आप आरक्षण के प्रति जिम्मेवार हैं और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया तो गुजरात के अंदर चुनाव कैसे हो गया, असम और त्रिपुरा भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ अब तक इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हुई, साथ ही साथ अगर देश के अंदर में एक सार्वभौम नीति बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि भाई कास्ट सेंसस से आप परहेज क्यों करते हैं, क्या परेशानी आपको है? जब सुप्रीम कोर्ट निकाय चुनाव के लिए कह रहा है तो रिजर्वेशन की पॉलिसी के लिए क्या कास्ट सेंसस की आवश्यकता नहीं है, यह भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। सुविधा के अनुसार तर्क नहीं, एक पार्टी एक झंडा है, तो अलग अलग गुजरात मॉडल अगर प्रभावी है आपके लिए कि बेहतर मॉडल है तो गुजरात में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ यह न्याय क्यों, यह भारतीय जनता पार्टी बताएगी।